जो इस देश की समाज व्यवस्था के आधार पर जिनको पढ़ना लिखना हजारों साल तक मना रहा, और उसके शिक्षा के अभाव के कारण जिंदगी के हर पहलू में ये लोग नीचे गिरे। हमसे पहले जिन महापुरुषों ने इनकी गिरावट को दूर करके इनको ऊपर उठाने की सोचा, तो ये बहुत पहले उन्होंने ये सोचा कि बहुत से कारण है इन लोगों की गिरावट के, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव। तो शिक्षा के लिए सिर्फ हमने ही कोई प्राथमिकता नहीं दी है, बल्कि 1850 से लगभग 150 साल पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने जब इन लोगों को उठाने का काम शुरू किया, तो उस वक्त से उन्होंने ये काम शुरू किया था। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने इस बात को काफी आगे बढ़ाया, और एक राजा होने के नाते उनके पास धन था, उस धन का दुरुपयोग करने की बजाय सदुपयोग किया और शिक्षा के मामले में इन लोगों को काफी आगे बढ़ाया। फिर बाबा साहब अंबेडकर को ये मौका मिला संविधान बनाने का, संविधान बनाकर फिर उसको लागू कराने का, तो तब उन्होंने शिक्षा के मामले में ये लोग सिर्फ पढ़ना लिखना ही ना सीखें, बल्कि उच्च शिक्षा की तरफ उन्होंने काफी ध्यान दिया। ऊंची शिक्षा प्राप्त करके तो ये जो मार्के की जगह है, काम की जगह है, तो उन जगहों पर ये सेलेक्ट होकर तो अपना ये अपने समाज को, दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने का काम कर सकें, तो ऐसा उन्होंने भी ये सोचा और किया, और उससे सबक सीखकर हम लोगों ने सोचा कि ये इस मामले में हमें पीछे नहीं हटना, गाड़ी पीछे नहीं हटनी चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जितना हम अपनी जिंदगी में बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएंगे, और यही नहीं, हम लोगों ने ऊंची शिक्षा हासिल करके ऊंची नौकरियों पर या ऊंचे जो अहदे है उनके ऊपर जाने के लिए जिन लोगों को मौका नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है, उनको मौका देने का हमने प्रबंध किया। इसीलिए हमने पिछले मौके पर ही भागीदारी भवन बनाना शुरू किया था, और अब जब दूसरा मौका मिला सरकार बनाने का, तो वो भागीदारी भवन अभी ऑपरेशन में आया। तो जब हमें ये फैसला करना पड़ा कि हमें प्रेसिडेंट रूल को समाप्त करके सरकार बनानी चाहिए, तो किसी एक पार्टी की सरकार बन नहीं रही थी, तो हम लोगों ने बीजेपी के साथ समझौता करके सरकार बनाई, और इस तरह की सरकार बनाई कि पहले छह महीने के लिए बीएसपी इसको चलाएगी और आखिरी छह महीने के लिए बीजेपी चलाएगी। अब छह महीने का समय तो कम होता है, सरकार चलाने के लिए नॉर्मली 5 साल मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि हम जो करना चाहते हैं और जिस तरह से हम अपने मूवमेंट को चलाते हैं, तो थोड़े समय में ज्यादा रिजल्ट दिखा पाते हैं मूवमेंट के मामले में।
तो इससे मुझे ऐसा लगा कि सरकार चलाने में भी हम थोड़े समय में ज्यादा रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपने पार्टी के मुख्यमंत्री मायावती से कहा कि मैं कोशिश करके आपको 6 महीने के लिए सरकार चलाने का मौका दे रहा हूं, लेकिन 6 महीने में भी 6 साल का काम किया जा सकता है। जो दूसरे लोग आम लोग 6 साल में काम करते हैं, वो हमारे मूवमेंट में ढले हुए लोग 6 महीने में कर सकते हैं। तो सरकार के हर पहलू में को टच करते हुए मैंने उनसे बताया कि ये जैसे लैंड टू द लैंडलेस सरकार की तरफ से जो योजना बनती है, तो मैं तो समझता हूं कि जो 20-22 साल में काम नहीं हुआ है वो 6 महीने में हो सकता है। उन लोगों ने कागज के ऊपर पट्टे काट के दिए हैं लैंड टू द लैंडलेस, अब हमें पोजेशन देना है। जितने पट्टे उन्होंने 1972 से लेकर 1994 तक काटे हैं 22 साल में, और मैं समझता हूं कि 6 महीने में हम उनका पोजेशन दे सकते हैं, क्योंकि लैंडलेस के लिए पट्टा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पोजेशन इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये काम जो उन्होंने 22 साल में कर लेना चाहिए था तो वो उन्होंने नहीं किया, तो आपको ये 6 महीने में करना है। इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंबेडकर की बर्थ सेंचुरी मनाने के मौके पर बनाई, और उसमें राज्यों को ये स्कीम लागू करनी चाहिए। लेकिन पूरे देश में कोई भी प्रदेश इसको लागू करता हुआ हमें नजर नहीं आया, तो मैंने अपने मुख्यमंत्री से कहा कि 6 महीने में आप इसको बड़े पैमाने पर लागू करके दिखाएं। इससे उत्तर प्रदेश में तो लाभ होगा ही, लेकिन दूसरे प्रदेशों में भी उनको इससे प्रेरणा मिल सकती है, सबक मिल सकता है। और इसी तरह से जो गवर्नेंस के और पहलू हैं उनकी तरफ भी मैंने काफी ध्यान दिलाकर उनसे एक एक करके बताया कि हर फील्ड में कम से कम 6 साल का काम इन 6 महीनों में आप कर सकती हैं। तो इस किस्म का चैलेंज इनके सामने रख के इनको सरकार चलाने का मौका दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिशा में ये काफी हद तक कामयाब हुई। संदेश की तो इस देश में कोई कमी नहीं है, कमी अगर है तो उसको करने की कमी है। इसलिए मैं तो इसी में विश्वास रखता हूं कि संदेश दूसरों का, प्रोग्राम दूसरों के, प्लानिंग दूसरों का, लागू करना हमारा काम, क्योंकि दूसरे लोग तो बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं, प्रोग्राम भी अच्छे बनाते हैं, रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो जब हमारे आगे बढ़ने से कांग्रेस पार्टी पीछे हट रही थी तो राजीव गांधी मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा इतना विरोध क्यों करते हैं, आप हमें आगे बढ़ने से क्यों रोकते हैं, ये देखो हमारे रेजोल्यूशन,
कितने बढ़िया रेजोल्यूशन है, कितने बढ़िया ख्याल है हमारे, कितना बड़ा बढ़िया उपदेश है, और उसके आधार पर ये हमारे प्रोग्राम है और ये प्लानिंग है। तो ये और हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये सब कुछ से मैं सहमत हूं, इसके बारे में मुझे भी उपदेश देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो सब कुछ अच्छा आपने किया है, जो बनाया है, इसको करने की जरूरत है। कागज के ऊपर तो बहुत कुछ है, इससे बेहतर हम बना नहीं सकते, हम बनाना भी नहीं चाहते, बना बनाया हमें मिल रहा है, इसलिए इस दिशा में हम अपना दिमाग लगाते ही नहीं। तो जरूरत अगर है तो करने की है। तो इसलिए तो मैं समझता हूं कि मुझे भी कोई नया उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं। उपदेश देने वालों की इस दुनिया में, इस देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस उपदेश को लागू करने की कमी है। तो वो कमी पूरा करने के बारे में हम हमेशा सोचते हैं। हम और हमारा समाज ऐसा है कि जो इस देश की समाज व्यवस्था के आधार पर जिनको पढ़ना लिखना हजारों साल तक मना रहा है, और उसके शिक्षा के अभाव के कारण जिंदगी के हर पहलू में ये लोग नीचे गिरे। हमसे पहले जिन महापुरुषों ने इनकी गिरावट को दूर करके इनको ऊपर उठाने की सोचा, तो ये बहुत पहले उन्होंने ये सोचा कि बहुत से कारण है इन लोगों की गिरावट के, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव। तो शिक्षा के लिए सिर्फ हमने ही कोई प्राथमिकता नहीं दी है, बल्कि 1850 से लगभग 150 साल पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने जब इन लोगों को उठाने का काम शुरू किया, तो उस वक्त से उन्होंने ये काम शुरू किया था। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने इस बात को काफी आगे बढ़ाया, और एक राजा होने के नाते उनके पास धन था, उस धन का दुरुपयोग करने की बजाय सदुपयोग किया, और शिक्षा के मामले में इन लोगों को काफी आगे बढ़ाया। फिर बाबा साहब अंबेडकर को ये मौका मिला संविधान बनाने का, संविधान बनाकर फिर उसको लागू कराने का, तो तब उन्होंने शिक्षा के मामले में ये लोग सिर्फ पढ़ना लिखना ही ना सीखें, बल्कि उच्च शिक्षा की तरफ उन्होंने काफी ध्यान दिया, ऊंची शिक्षा प्राप्त करके। तो ये जो मार्के की जगह है, काम की जगह है, तो उन जगहों पर ये सेलेक्ट होकर तो अपना ये अपने समाज को, दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने का। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं।
खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन@gmail.com पर। धन्यवाद।